ओम शांति। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे मेरे फूल बच्चे हो, है ना। सभी हम फूल बच्चे, फूल के समान खुशबू फैलाने वाले। कौन सी खुशबू फैलाते हैं? गुणों की खुशबू। तो बाबा कहते हैं, जो मेरे फूल बच्चे गुणों की खुशबू फैलाते हैं वो मुझे बहुत प्रिय है। तो बाबा बच्चों को बहुत प्यार देते हैं, पर उन बच्चों को जो फूल बन करके दूसरों को गुणों की खुशबू देते हैं, और उनसे भी ज्यादा किसको प्यार करते हैं? फूल बच्चों को तो बहुत प्यार करते हैं, पर उनसे भी ज्यादा किनको प्यार करते हैं? जो माली बन करके फूल तैयार करते हैं। एक है स्वयं फूल बनना, दूसरा है कि माली बन करके फूलों को तैयार करना। तो हो सकता है बाबा के सामने वो टीचर्स बहनें बैठी हो और वो पार्टियां लेकर के आई हो, तो बाबा सबको देख के बहुत प्यार दे रहे हैं और टीचर्स बहनों को और भी ज्यादा प्यार दे रहे हैं कि ऐसे फूल बच्चे बाबा के सामने ले आए। तो हमको केवल फूल बनना है या माली भी बनना है? क्या बनना है? माली बनेंगे तो ज्यादा प्यार मिलेगा। बाबा के आगे ऐसे फूल ले आते हैं तो बाबा टीचर को भी बहुत प्यार करता। तो आज बाबा ने फूलों को भी याद किया है, मालियों को भी याद किया है, और बाबा के सामने तो कई प्रकार के बच्चे आते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं, मेरे ऊपर कौन से फूल चढ़ते हैं? अक के फूल चढ़ते हैं, कड़वे कड़वे पत्ते भी चढ़ते हैं। अच्छे अच्छे फूल तो मेरे पर चढ़ाता ही नहीं, वो देवताओं पर चढ़ाते हैं। आज बाबा ने सारी मुरली फूलों पर चलाई है। कितने प्रकार के खुशबूदार फूल होते हैं वो बाबा ने बताया। तो बाबा कई बार ऐसे बहुत सारे फूल क्लास में ले आते थे, हमारी दादी जी भी लाती थी, तो माली यहाँ का वो बाबा को ट्रे में फूल सजा करके देता था और बाबा वो फूलों को दिखाते थे और कहते थे, देखो कितनी खुशबू है इस फूल में। दादी जी भी ऐसे करती थी और फिर कोई फूल में इतनी खुशबू नहीं होती थी तो दादी जी कहती थी, ऐसे ऐसे करती थी, इस फूल में खुशबू नहीं है। और किसी फूल में बहुत खुशबू होती थी, भी खुशी होती थी दादी जी को। तो कहती थी, देखो बाबा को भी ऐसे ही खुशी होती है, जो गुणों की खुशबू से भरपूर है बच्चे बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन माली को ज्यादा प्यार मिलता है। यहाँ भी देखो अभी कितने फूल चारों ओर है। हमारा यहाँ माली जो है, क्या नाम है, बीमा, वो सजाता है, और भी ज्ञान सरोवर में भी देखो बहुत इतने सुंदर सुंदर फूल सजे हुए हैं। आज तो ज्ञान सरोवर में शिवरात्रि है पहली, तो कल हम देख रहे थे क्या सजाया है उन्होंने ज्ञान सरोवर को, यहाँ भी सजाया है। शिवरात्रि पर तो बहुत सजावट करते हैं, क्यों ना करें, हमारे बाप का जन्मदिन है, क्यों ना करेंगे। तो आज से शिवरात्रि के कार्यक्रम भी शुरू हो रहे हैं, सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 10/2/2015 है। मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया के फूल बनाना
ये तुम होशियार मालियों का काम है। पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया के फूल बनाना ये तुम होशियार मालियों का काम है। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हो? आज की मुरली का गीत है तकदीर जगा कर आई हो, तो बाबा तकदीर पर भी मुरली चला रहे हैं। संगम युग पर तुम बच्चे कौन सी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हो? फूल से रिलेटेड है, कौन सी तकदीर बनाते हम, क्या कहेंगे? फूल से संबंधित, कांटों से फूल बन रहे हैं, ये तकदीर। उत्तर है, कांटे से खुशबूदार फूल बनना ये है सबसे श्रेष्ठ तकदीर। अगर एक भी कोई विकार है तो कांटा है, ऐसे नहीं चार विकार तो गए एक बाकी रह गया है तो फूल है, नहीं तो भी कांटा है, एक भी रह गया विकार, अगर एक भी कोई विकार है तो कांटा है। जब कांटे से फूल बनो तब सतो प्रधान देवी देवता बनो। तुम बच्चे अभी 21 पीढ़ी के लिए अपनी सूर्यवंशी तकदीर बनाने आए हो। हम सब जो यहाँ बैठे हैं 21 जनों के लिए सूर्यवंशी तकदीर बनाने आए हैं। इसमें चंद्रवंशी भी आ जाता लेकिन बाबा सूर्यवंशी को तो महत्व देते। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ नई दुनिया बनाकर लाई हूँ, कुछ ऐसी है तो बाबा ने उस पर बोला है। ओम शांति। गीत बच्चों ने सुना, ये तो कॉमन गीत है, क्योंकि तुम हो माली। टीचर्स बैठी है, तुम हो माली, बाप है बागबान। अब मालियों को क्या करना है? कांटों कांटों से फूल बनाना है, खुद तो बन ही गई पर दूसरों को कांटों से फूल बनाना है। ये अक्षर बहुत क्लियर है, कांटा फूल तकदीर। भक्त आए हैं भगवान के पास, ये सब भक्तियां हैं ना। अब ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने बाप के पास आए हैं, इस राजयोग की पढ़ाई से ही नई दुनिया के मालिक बनते हो। तो भक्तियां कहती है, क्या कहती है भक्तियां भगवान को? हम तकदीर बनाकर आए हैं, नई दुनिया दिल में सजा कर आए हैं। सबके दिल में नई दुनिया सज रही है ना। हम तकदीर बनाकर आए हैं, नई दुनिया दिल में सजा कर आए हैं। बाबा भी रोज कहते हैं कि स्वीट होम और स्वीट राजाई को याद करो। आत्मा को ही तो याद करना है स्वीट होम और स्वीट राजाई को। हरेक सेंटर पर कांटों से फूल बन रहे हैं। जो भी बच्चे आते हैं पहले तो कांटे ही हैं सब, फिर कांटों से फूल बन रहे हैं। फूलों में भी नंबरवार होते हैं ना। शिव के ऊपर जो फूल चढ़ाते, कोई कैसा फूल चढ़ाते कोई कैसा फूल। गुलाब के फूल और अक के फूल में रात दिन का फर्क है। गुलाब के फूल तो कितने शोभनीय होते हैं,
अक तो छोटा छोटा कड़वा भी कोई काम का नहीं। जैसे गुलाब के फूल और अक के फूल में रात दिन का फर्क है, तो ये भी बगीचा है। आज सब कहाँ बैठे हैं? बगीचे में बैठे हैं। कोई मोतिये के फूल हैं, कोई चंपा के, कोई रतन ज्योति, ये भी ऐसे ही मोती एक तरह ही है, कोई रतन ज्योति, कोई तो फिर अक के भी हैं। बच्चे जानते हैं इस समय सब है कांटे, दुनिया में तो सब है कांटे। ये दुनिया क्या बन गई है? जहां सब कांटे ही कांटे हो तो क्या कहेंगे उस दुनिया को? कांटों का जंगल। इनको बनाना है नई दुनिया के फूल, इन कांटों को नई दुनिया के फूल बनाना है। इस पुरानी दुनिया में है कांटे, तो गीत में भी कहते हैं हम बाप के पास आए हैं पुरानी दुनिया के कांटे से नई दुनिया का फूल बनने, तकदीर जगा कर आए हैं। जो बाप नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, कांटे से फूल बनना माना, कांटे से फूल बनना माना देवी देवता बनना। तो गीत का अर्थ कितना सहज है, हम आए हैं तकदीर जगाने नई दुनिया के लिए। नई दुनिया है सतयुग, कोई की सतो प्रधान तकदीर है, कोई की रजो, कोई की तमो, तकदीर भी अलग अलग है। क्या कैसे पता चलता है कि किसी की सतो प्रधान तकदीर, किसकी रजो, किसकी तमो? कोई सूर्यवंशी राजा बनते माना सतो प्रधान तकदीर, कोई प्रजा बनते माना रजो प्रधान तकदीर, कोई प्रजा के भी नौकर चाकर बनते। राजा के नौकर चाकर और प्रजा के नौकर चाकर में भी तो अंतर होगा ना, बहुत अंतर होगा। कोई प्रजा के भी नौकर चाकर बनते। ये नई दुनिया की राजाई स्थापन हो रही है। स्कूल में भी तकदीर जगाने जाते हैं ना, कहते पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो क्यों क्यों माँ बाप भी जोर देते हैं, सरकार भी जोर देती है, हाँ पढ़ो पढ़ो, क्योंकि तकदीर जगती है पढ़ाई से। स्कूल में तकदीर जगाने जाते हैं ना, यहाँ तो है नई दुनिया की बात, नई दुनिया की तकदीर यहाँ जगा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया में क्या तकदीर बनाएंगे? चलो कोई बहुत पढ़ लिख ले, पर फिर भी यही चिंता, पता नहीं नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, पता ही नहीं, पढ़े लिखे खूब घूम रहे नौकरी नहीं। तो इस पुरानी दुनिया में क्या तकदीर बनाएंगे? तुम भविष्य नई दुनिया में देवता बनाने की तकदीर बना रहे हो, जिन देवताओं को सभी नमन करते आए हैं। कितनी ऊंची तकदीर, जो जब देवता है तो भी सब कितना रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार देते हैं, और जब पूज्य स्वरूप में पूजे जाते हैं भक्तों द्वारा तो भी कितना मान सम्मान, तो कितनी तकदीरवान। जिन देवताओं को सभी नमन करते आए हैं, हम ही सो देवता पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने। 21 जन्मों का वर्षा बाप से मिलता है, जिसे क्या कहेंगे 21 जन्मों का वर्ष के वर्षे को 21 पीढ़ी, ऐसे नहीं आधे 10 साल के बाद मर गया तो ये पीढ़ी नहीं हुई, 21 जन्म पूरी बुढ़ापे तक, जिसे 21 पीढ़ी कहा जाता है। पीढ़ी व्रत अवस्था तक को कहा जाता है। बाप 21 पीढ़ी का वर्षा देते हैं, क्योंकि युवा अवस्था में व बचपन में बीच में अकाल मृत्यु कभी होती नहीं, वहां
इसलिए उनको कहा जाता है कोई अकाली मरता नहीं, इसीलिए क्या कहा जाता है उस लोक को, अमर लोक। ये है मृत्यु लोक, रावण राज्य। यहां हर एक में विकारों की प्रवेशता है। जिसमें कोई एक भी विकार है तो भी कांटा हुआ ना, तो बाप समझेंगे अब बाबा बहुत माली आए हैं, टीचर्स आई है, बहुत बढ़िया बहुत अच्छी पार्टी लेकर आए हैं अच्छे अच्छे फूलों की, तो बाप समझेंगे माली रॉयल खुशबूदार फूल बनना नहीं जानते। अगर कोई कांटा भी लाए माना, अभी है नहीं धारणा ये सब, तो भी आ गए तो बाबा उन मालियों को फिर आंख दिखाते हैं। बाबा कहेंगे माली रॉयल खुशबूदार फूल बनाना जानते ही नहीं है, ये सर्टिफिकेट मिलेगा। माली अच्छा होगा तो अच्छे अच्छे फूल तैयार करेंगे। विजय माला में पिरोने लायक फूल चाहिए, बाबा को ऐसे फूल चाहिए। देवताओं के पास तो अच्छे अच्छे फूल ले जाते हैं ना, समझो। हाँ बाबा कहते समझो, क्वीन एलिजाबेथ यहां आती है, अंग्रेजों के राज्य में तो आई थी क्वीन एलिजाबेथ यहां, तो समझो क्वीन एलिजाबेथ आती है तो उनको कौन से फूल देंगे, सड़े हुए फूल देंगे, कैसे फूल देंगे। तो एकदम फर्स्ट क्लास फूलों की माला बनाकर ले जाएंगे। और यहां के मनुष्य तो है तमो प्रधान। बाबा क्यों कंपेयर करते हैं, क्योंकि मधुबन में अगर किसी को लाते हो और वो कांटा है तो वो दोष कांटे का नहीं है, दोष किसका है, हाँ दोष किसका है, माली का दोष है। ऐसा फूल लाया, ऐसा खुशबूदार फूल लाओ ना, किसके आगे ला रहे हो, वैसे वैसे कोई व्यक्ति के आगे थोड़ी ला रहे हैं, भगवान के आगे ला रहे हैं, तो कैसे फूल लाने चाहिए। यहाँ के मनुष्य तो है तमो प्रधान, शिव के मंदिर में भी जाते हैं, समझते हैं ये भगवान है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो देवता कहते हैं, शिव को भगवान कहेंगे, तो वो ऊंच से ऊंच हुआ ना। अब शिव के लिए कहते हैं, अब क्या ग्लानी कर दी है शिव की, शंकर भी समझ लिया ये भी ग्लानी हो गई, कहां देर दे दिया उनको। और क्या क्या ग्लानी करते हैं, कहते हैं शिव धतूरा खाता था, भांग पीता था। कितनी ग्लानी करते हैं, अभी शिवरात्रि पर बहुत भांग पीते हैं, बहुत धतूरा खाते हैं, तो उनसे पूछो भाई ये तो नशीली चीजें हैं, ये क्यों आप खा रहे हो, कहते अरे शिव जी ने भी तो पिया था, शिव जी ने भी तो खाया था। कल पता नहीं एक गीत हम सुन रहे थे, तो उसमें क्या था, क्या था कि देखो शिव जी के गले में सांप पड़ा है तो कोई उसको समझेगा ये तो सपेरा है, क्योंकि सांप गले में पड़ना माना वो सपेरे के ही हाथ में ना, जिसके जो सांपों के साथ रहता है वो तो सपेरा है। अब बताओ भगवान को सपेरा बना दिया, गले में सांप लगा लिया। तो बाबा कहते हैं बहुत था कि ये अक्षर अपना ही गीत है, पता नहीं अपना ही गीत था, रेडियो मधुबन पर आ रहा था, मालूम नहीं कौन सा, परंतु क्या क्या ये शिव को क्या क्या दिखा दिया, क्या क्या बना दिया शिव को, फूल भी। हाँ अब शिव के लिए कहते धतूरा खाता था, भांग पीता था, कितनी ग्लानी करते हैं। फूल भी अक के ले जाते हैं शिव के ऊपर मंदिर में। अब ऐसा परम पिता परमात्मा उनके पास देखो क्या ले जाते हैं। तमो प्रधान कांटों के पास तो फर्स्ट क्लास फूल ले जाते हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं भले उन्होंने कोई गुण ना भी हो तो भी कितनी सुंदर फूल माला बना करके उनमें चढ़ाएंगे, ऐसे नहीं गंदे गंदे फूल या सड़े हुए फूल
उनको देंगे। तो जो तमो प्रधान कलयुगी व्यक्ति कांटे समान है, उनको तो इतना सुंदर फूल चढ़ाते देते हैं, और बाबा जो कांटे से फूल बनाता उनको कौन से फूल चढ़ाते? अक्ल के फूल। तमो प्रधान कांटों के पास तो फर्स्ट क्लास फूल ले जाते हैं, और शिव के मंदिर में क्या ले जाते हैं? फिर दूध भी देखो कैसा चढ़ाते हैं। बाबा कहते 5% दूध, बाकी 95% पानी, ऐसा दूध चढ़ाते हैं शिव के ऊपर। भगवान के पास दूध कैसा चढ़ना चाहिए, कैसा चढ़ाना चाहिए, जानते तो कुछ भी नहीं। अब तुम अच्छी रीति जानते हो, तुम्हारे में भी नंबर वार हैं। जो अच्छा जानते हैं उनको सेंटर का हेड बनाया जाता है। अच्छे होशियार बच्चे उनको हेड बनाएंगे सेंटर का, ताकि वो माली बन करके औरों को फूल बनाएं। जो अच्छे अच्छा जानते हैं उनको सेंटर का हेड बनाया जाता है। अब सब तो एक जैसे नहीं होते, भल पढ़ाई एक ही है, मनुष्य से देवता बनने की ही एम ऑब्जेक्ट है, परंतु टीचर तो नंबर वार है ना। विजय माला में आने का मुख्य आधार है पढ़ाई। पढ़ाई तो एक ही होती है, उसमें पास तो नंबर वार ही होते हैं ना। सारा मदार पढ़ाई पर है। कोई तो विजय माला के 8 दानों में आते हैं, कोई 108 में, कोई 16,108 में। सिजरा बनाते हैं ना, अब सिजरा बनाते, जीनियोलॉजिकल ट्री बनाते, उसमें सबसे ऊपर एक ही माता पिता होंगे, उस एक माता पिता के समझो 4 बच्चे बच्चियां होंगे, फिर एक एक बच्चे के बच्चे बच्चियां, फिर दूसरे के, तीसरे के, चौथे के, फिर उनके उनके उनके, ये पूरा सिजरा बना देते हैं। तो जो एक जो पहला होगा वो तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर होगा ना, क्योंकि उनके सारे वंशावली। तो बाबा कहते हैं सिजरा बनाते हैं ना, पहले पहले एक पत्ता, 2 पत्ते, फिर बढ़ते जाते हैं। ये भी झाड़ है, बिरादरी होती है। जैसे बाबा को कृपलानी बिरादरी याद आई, बाबा लौकिक में कृपलानी जाति के थे। दादी जानकी ने कृपलानी का एक बार अर्थ बताया, जानकी दादी की भी सरनेम कृपलानी थी, जयंती बहन, जानकी दादी, बाबा, इनके सब कृपलानी। तो बाबा, तो दादी ने कहा कृपलानी माना जो कृपा करने वाले। कृपा करने वाले सब पर कृपा करते हैं, क्योंकि बहुत ऊंच जाती है वो सबसे, मन कई है ना, तो इसीलिए ऊंची जाती है वो। तो बिरादरी होती है ना, जैसे कृपलानी बिरादरी आदि आदि, वो सब है हद की बिरादरियां। ये फिर है बेहद की बिरादरी। अब इसका, इस बेहद की बिरादरी का पहला पहला कौन है, कौन है सबसे पहला जिनसे, जिनकी सारी वंशावली बनी है? हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा। उनको फिर क्या कहेंगे, एकदम पहला नंबर है उनकी सारी बिरादरी है, तो उनको क्या कहेंगे? ग्रेट 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 ग्रैंडफादर। परंतु ये किसको पता नहीं है, मनुष्य मात्र जरा भी नहीं जानते कि सृष्टि का रचयिता कौन है। बिल्कुल अहिल्या जैसे पत्थर बुद्धि है। ऐसे जब बन जाते हैं तभी बाप आते हैं, वे राम आया अहिल्या का उद्धार किया। तो क्या अर्थ है इसका, अभी अहिल्या जैसे पत्थर बुद्धि, अहिल्या को वो थी तो बहुत अच्छी, लेकिन श्राप मिल गया उनको तो पत्थर बन गई। फिर राम ने पांव रखा, वापस बन गई, वो श्राप खत्म हो गया। तो बाबा कहते अहिल्या जैसे पत्थर बुद्धि है, ऐसे जब बन जाते हैं तभी बाप आते हैं। तुम यहाँ आए हो, सब अहिल्या बुद्धि है बाबा कहते इस समय, तुम यहाँ आए हो अहिल्या बुद्धि से पारस बुद्धि बनने, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बने। तो नॉलेज भी धारण करनी चाहिए ना,
बाप को पहचानना चाहिए और पढ़ाई का ख्याल करना चाहिए। समझो क्यों बाबा कहते ये बहुत जरूरी है ध्यान करना ख्याल करना। समझो आज आए हैं, कल अचानक शरीर छूट जाता है, फिर क्या पद पा सकेंगे? नॉलेज तो कुछ भी उठाई नहीं, आज ही आया और कल मर गया। नॉलेज तो कुछ भी उठाई नहीं, कुछ भी सीखे नहीं, तो क्या पद पाएंगे? दिन प्रतिदिन जो देरी से शरीर छोड़ते हैं उनको टाइम तो थोड़ा मिलता है, थोड़ा तो अभी जितना जिएंगे शरीर में उतना आपको और ज्यादा टाइम मिलेगा बाबा का, बाबा की श्रीमत पर चलने का, क्योंकि टाइम तो कम होता जाता है। उसमें जन्म ले क्या कर सकेंगे? अगर अभी शरीर छूट गया टाइम तो कम होता जा रहा है, अगर अभी शरीर छूट गया तो फिर क्या आगे जन्म में कर सकेंगे? इसलिए शरीर में जितना जिए उतना अच्छा है। उसमें जन्म ले क्या कर सकेंगे? हाँ, तुम्हारे से जो जाएंगे, ब्राह्मणों में से कोई जाएंगे तो कोई अच्छे घर में जन्म लेंगे, ये जरूर होगा, क्योंकि अच्छी कमाई तो की है ना, तो अच्छे घर में जन्म लेंगे। संस्कार ले जाते हैं तो वो आत्मा आत्मा जाग जाएगी, नए जन्म में भी जाग जाएगी, शिव बाबा को याद करने लगेगी। संस्कार ही नहीं पड़े हुए होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसकी बहुत महीनता से, इसको बहुत महीनता से समझना होता है। माली अच्छे अच्छे फूलों को ले आते हैं तो उनकी महिमा भी गाई जाती है, मालियों की भी। फूल बनाना तो माली का ही काम है ना। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको बाप को याद करना आता ही नहीं है। तकदीर के ऊपर है ना, तकदीर में होगा तो जरूर याद करेंगे, तकदीर के ऊपर है ना। तकदीर में नहीं है तो कुछ भी समझते नहीं। तकदीरवान बच्चे तो बाप को यथार्थ रीति पहचान कर उन्हें पूरी रीति याद करेंगे, बाप के साथ साथ नई दुनिया को भी याद करते रहेंगे। तो गीत में कहते हैं ना, हम नई दुनिया के लिए नई तकदीर बनाने के लिए आए हैं। 21 जन्म लिए बाप से राज्य भाग्य लेना है, इस नशे और खुशी में रहे तो ऐसे ऐसे गीत का अर्थ इशारे से समझ जाए। स्कूल में भी कोई की तकदीर में नहीं होता है तो फेल हो पड़ते हैं, ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान है। उस वहां के इम्तिहान से भी ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं। ये नॉलेज सभी धर्म वालों के लिए है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तुम जानते हो किसी भी देहधारी मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहेंगे। क्यों क्यों नहीं कहेंगे? वो भी सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं और यहां मनुष्य हैं, यहां देवताएं नहीं हैं, ये है मनुष्य लोक। तो लक्ष्मी नारायण भी यहां के वासी है, इस लोक के वासी है, तो ये लक्ष्मी नारायण आदि भी देवी गुण वाले मनुष्य हैं, जिसको उनकी वंशावली को क्या कहेंगे, डीटीज्म, देवता धर्म, जिनको डीटीज्म कहा जाता है। सतयुग में सभी देवी देवता हैं और सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। गाते भी है ना ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए, ब्रह्मा देवताए नम है, विष्णु देवताए नम है, शंकर देवताए नम है, फिर कहेंगे शिव परमात्माए नम है। शिव को देवता नहीं कहेंगे, शंकर को देवता जरूर कहेंगे। देव देव महादेव भले कहेंगे शंकर को, पर परमात्मा नहीं कहेंगे, शिव परमात्मा ही नमः कहेंगे, शिव को देवता नहीं कहेंगे। और मनुष्य को फिर भगवान नहीं कह सकते हैं। कोई भी देहधारी है, चाहे सूक्ष्म देहधारी भी है,
चाहे स्थूल देहधारी, जिनको भगवान नहीं कहेंगे, नहीं कह सकते हैं। तो ये तीन फ्लोर है ना बाबा के लिए। फर्स्ट फ्लोर परम धाम है, सेकंड फ्लोर सूक्ष्म वतन है, और स्थूल वतन बाबा के लिए थर्ड फ्लोर है। तो तीन फ्लोर है ना, और हम यहाँ कौन से फ्लोर पर बैठे हैं? थर्ड फ्लोर पर। थर्ड, हम सब यहाँ थर्ड फ्लोर पर हैं। सतयुग में के जो दैवी गुण वाले हैं, दैवी गुण वाले मनुष्य हैं, वही पर आसुरी गुण वाले बन जाते हैं। माया का ग्रहण लगने से काले हो जाते हैं। जैसे चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है ना, वो है हद की बातें, ये है बेहद की बात। बेहद का दिन और बेहद की रात है, तो गाते भी है ना, बेहद का दिन और ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तुमको अभी एक बाप से ही पढ़ना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। बाप द्वारा पढ़ने से तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। ये सच्ची सच्ची गीता पाठशाला है। ये बगीचे से कहाँ पहुंच गए? गीता पाठशाला में पहुंच गए। पाठशाला में हमेशा नहीं रहते हैं, पाठशाला में पढ़ाई की फिर घर जाते हैं। मनुष्य समझते हैं भक्ति मार्ग तो भगवान से मिलने का मार्ग है। जितना बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान राजी होगा और आकर के फल देगा। ये सब बातें तुम ही अब समझते हो। भगवान एक है जो फल अभी दे रहे हैं। जो पहले पहले सूर्यवंशी पूज्य थे, उन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है। याद आता है ना, हमने सबसे जास्ती भक्ति की है। वही यहाँ आएंगे, इसलिए बाबा कहते कि आप लोग, आपसे पूछते आप लोग भक्ति करते हो, तो हम क्या कहते, अरे हमने जितनी भक्ति की है कितनी किसने भी नहीं की है, कि सबसे जास्ती भक्ति हमने की है, तभी तो ज्ञान मिला है। सबसे जास्ती भक्ति की है वही यहाँ आएंगे। तुम पहले पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति की है, तो जरूर तुम ही पहले पहले भक्त ठहरे। नशे से कहना चाहिए अगर कोई पूछे भक्ति करते हो, अरे नंबर वन भक्त तो हम ही हैं। तो पहले पहले भगत ठहरे, फिर गिरते गिरते तमो प्रधान बन जाते हो। आधा कल्प तुमने भक्ति की है, इसलिए तुमको ही पहले ज्ञान देते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है, कितना ज्ञान हर एक लेता है, नंबरवार है। तुम्हारी इस पढ़ाई में अभी ये नंबरवार है, पर बनना तो नंबर वन है, पर कई बहाना देते हैं, क्या करे दूर रहता हूँ ना, रोज क्लास नहीं कर सकता हूँ, रोज मुरली नहीं सुन सकता हूँ, सवेरे सवेरे नौकरी पर जाना होता है, ये करना होता है, तो बाबा ने देखो आज का, ये सब बहाने हैं। तुम्हारी इस पढ़ाई में ये बहाना नहीं चल सकता है कि हम दूर रहते हैं, इसलिए रोज नहीं पढ़ सकते हैं। विदेशों में तो विज्ञान बहुत तरक्की कर चुका है ना, बहुत, भारत में भी अभी हो रहा है, तो वहां पर सेंटर पर सुबह सुबह तो नहीं आ सकते हैं सारे, बहुत, तो क्योंकि बहुत दूर दूर रहते हैं, परंतु कई तो आते भी हैं। अब वहां क्या है, मुरली सुनाओ स्काइप, कम से कम 50 जने एक ही उस समय लैपटॉप चलता रहता है और सबको स्काइप करते रहते हैं, और स्काइप पर कम से कम 50 जगह पर एक साथ वहां मुरली सुनते रहते हैं। भारत में भी अभी ये शुरू हुआ है, पर विदेशों में तो आजकल ये बहुत हो गया है, क्योंकि मुश्किल होता है उनको आना। तो फिर वो कहते हैं बहन जी आप बोलो, आप बोलो, तो हम बोलते हैं तो वो जवाब भी देते हैं, हाँ हम सुन रहे हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं वो जवाब देते हैं। तो दूर बैठे, डिस्टेंस लर्निंग, तो डिस्टेंस लर्निंग में दूर बैठे भी वो जवाब देते हैं स्काइप के द्वारा, बड़ा मजा आता था। तो अभी यहाँ भी ये हो रहा है, अभी मैं कहाँ गई थी, वहां भी बोला बहन जी कितने अभी ये चल रहे, क्योंकि रखा था लैपटॉप पास में,
तो हमने कहा लैपटॉप किस लिए, तो कहा नहीं बहन जी स्काइप से बहुत सुनेंगे, क्योंकि अभी वाईफाई भी सब जगह हो गया है, सेंटरों पर भी हो गया है, कई जगह हो गया है, तो कोई बड़ी बात नहीं लगती। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी इस पढ़ाई में यह बहाना नहीं चल सकता है कि हम दूर रहते इसलिए रोज नहीं पढ़ सकते हैं। कोई कहते हैं हम 10 माइल दूर रहते हैं। अरे बाबा ने क्या कहा होगा, बाबा की याद में तुम 10 माइल भी पैदल करके आओ तो कभी थकावट नहीं होगी। जगदीश भाई ऐसे करते थे। जगदीश भाई सोनीपत में रहते थे लौकिक घर में जब पहले पहले आए। अब उनको किसी उनकी टीचर ने बोला, क्योंकि बहुत प्रश्न करते थे बहुत प्रश्न, तो टीचर जो थी थोड़ी बहुत परेशान भी हो गई उनसे, तो कहा कि अच्छा कल सुबह आप 4 बजे आना। उसने कहा ठीक है आ जाऊंगा, 4 बजे 6 बजे आना कुछ कहा होगा। तो 2 बजे घर से निकला, अब गाड़ी तो मिलेगी नहीं, कोई बस तो मिलेगी, अपनी गाड़ी तो थी नहीं, तो 2 बजे तैयार होकर के पैदल निकला और सचमुच 4 बजे 5 बजे पहुंच गया। टीचर तो हैरान हो गई, ऐसे देखो पहुंच गया। तो परंतु लगन उसकी थी, भले प्रश्न करता था पर लगन उनकी जबरदस्त थी। तो बाबा कहते हैं अरे बाबा की याद में तुम 10 माइल भी पैदल करके आओ तो भी थकावट नहीं होगी। कितना बड़ा खजाना लेने जाते हो, तीर्थों पर मनुष्य दर्शन करने लिए कितना पैदल जाते हैं, कितना धक्के खाते हैं। ये तो एक ही शहर की बात है, उसी शहर में रह रहे हैं। बाप कहते हैं मैं कितना दूर से आया हूं, मुझे भी तो देखो मैं कितना दूर से आया हूं, और तुम कहते हो घर 5 माइल दूर है। वाह वाह, बाबा कहते हैं खजाना लेने के लिए तो दौड़ना दौड़ कर आना चाहिए। अमरनाथ पर सिर्फ दर्शन करने के लिए कहां कहां से जाते हैं, यहां तो अमरनाथ बाबा स्वयं पढ़ाने आए हैं। तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूं, तुम बहाना करते रहते हो। सवेरे अमृत वेले तो कोई भी आ सकते हैं, उस समय कोई डर नहीं है, कोई तुमको लूटेगा भी नहीं। अगर कोई चीज जेवर आदि होंगे तो छीनेंगे, जेवर वेवर पहन के मत आओ सुबह सुबह अगर आते हैं। बहुत जगह पर मैंने देखा अभी अमृत वेले 4 बजे भी योग करने आते हैं, कोई बड़ी बहन या भाई जाते हैं ना मधुबन से, तो आ जाते हैं 4 बजे अमृत वेले योग करने। तो हमने उनको कहा 4 बजे आप आ गए, तो कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है 4 बजे आ जाते हैं अमृत वेले योग करने, अच्छी बात है, कोई तुमको लूटेंगे भी नहीं। अगर कोई चीज जेवर आदि होंगे तो छीनेंगे, चोरों को चाहिए धन और पदार्थ। हाँ एक बार वो सुनाते ना, एक बहन दिल्ली की का कोई किसान दिल्ली श्री फोर्ट या साउथ एक्सटेंशन में जा रहे थे अमृत वेले योग करने के लिए 4 बजे, तो बैज पड़ा हुआ था, एक चोर आ गया। हाँ चोर आ गया, 3 बजे 4 बजे गई होगी, तो कहा ये निकालो ये सोने का है, क्योंकि चमक रहा था बैज। उससे निकाल के दिया, लो ये तो भगवान का चित्र है। फिर उस चोर को शिव बाबा का परिचय देने लगी, इतना नशे में थी तो शिव बाबा का परिचय देने लगी, और उसके बाद वो चोर ने कहा माता जी रख लो। तो इसीलिए वो भी उस पर जैसे उस पर दया आ गई। तो बाबा कहते हैं हाँ तो बहाना करते रहते हो, सवेरे अमृत वेले तो कोई भी तो कोई होंगे तो छीनेंगे, अगर कोई और चीज होगी तो छीनेंगे, चोरों को चाहिए धन पदार्थ, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बहाने बहुत बनाते हैं, पढ़ते नहीं तो अपना पद गंवाते हैं। बाप जाते आते भी तो भारत में है, भारत को ही स्वर्ग बनाते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं, परंतु कोई पुरुषार्थ भी करे ना, कदम ही उठाएंगे तो पहुंच कैसे सकेंगे। तुम बच्चे समझते हो कि ये है आत्माओं और परमात्मा का मेला, बाप के पास आए हैं स्वर्ग का वर्षा लेने,
नई दुनिया की स्थापना हो रही है। स्थापना पूरी हुई और विनाश शुरू हो जाएगा। स्थापना पूरी हुई, विनाश शुरू हो जाएगा। ये वही महाभारत की लड़ाई है ना। अच्छा, आज मुरली छोटी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, बाप जो ज्ञान का खजाना दे रहे हैं उसको लेने के लिए क्या करना है, दौड़ दौड़ कराना है, दौड़ दौड़ कराना है। इसमें किसी भी प्रकार का बहाना नहीं देना है। बाप की याद में 10 माइल भी पैदल चलने से थकावट नहीं होगी। दूसरा, विजय माला में आने का आधार क्या है, पढ़ाई। विजय माला में आने का आधार पढ़ाई है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। स्वीट होम और स्वीट राजाई को याद करना है। वरदान, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ अपने साथ। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ। दृढ़ संकल्प करो। अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे। अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। पहले स्वयं के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा, इस आराम के संकल्पों के डनलप को छोड़ो। डनलप पिलो होता है ना, डनलप का गद्दा, बड़ा मजा आता है उस पर कूदते हैं, तकिया भी अच्छा लगता है डनलप का नरम नरम। तो ये कौन सा डनलप का तकिया लेते या कर लेंगे हो जाएगा, इस आराम के संकल्पों के डनलप को छोड़ो। करना है यह स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। स्लोगन, समर्थ बोल ही निशानी है, जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। समर्थ बोल की निशानी है जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। ओम शांति।